कोरोना से होने वाली मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे दिए जाने में कोताही करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे आदेश के बावजूद परिजनों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जस्टिस एम आर शाह ने मुआवजा देने के मामले में कमी के चलते आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश देते हुए कहा वो कानून से ऊपर नहीं है। वहीं केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुआवजे के लिए आए आवेदनों में 80% लोगों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मुआवजे के लिए किए गए दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हर राज्य में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों से ज्यादा दावे राज्यों को प्राप्त हो रहे हैं, जबकि आपके यहाँ आंकड़ों से कम संख्या में दावे प्राप्त हुए हैं, ऐसा क्यों है? वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने गुजरात राज्य में पूछा कि आपने 4000 आवेदन को खारिज कर दिया, किस आधार पर खारिज किया ये नहीं बताया गया, आपने आवेदन खारिज करने के कारण को क्यों अपलोड नहीं किया? जस्टिस शाह ने कहा, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि मुआवजे के लिए प्रत्येक राज्य को हमें कहना पड़ रहा है? राज्यों के लोग सरकार की दया पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की मुआवजा देने से उदासीनता के चलते मौत के आंकड़ों और मुआवजे के दावों में अंतर है, इसलिए राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की मदद से क्यों ना लोगों तक मुआवजा पहुंचाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान बिहार में कोविड से हुई मौत के सरकार के आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा है कि बाकी राज्यों की अपेक्षा यहां मौत के कम आंकड़े दर्ज किए गए हैं। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे परिवारों तक पहुँचे और उन्हें आर्थिक सहायता पहुँचाए। कोर्ट ने बिहार के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी मुआवजे के असली हकदारों की पहचान और वितरण की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी और भाग लेने को कहा है। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने भी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार को और प्रयास करने की आवश्यकता है, जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सभी परिजनों को जिनके पास कोविड से मौत के कागजात होंगे 3 दिन के भीतर उन सबको मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुआवजे की राशि के भुगतान में यदि प्राप्तकर्ता अनाथ है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य की बजाय मुआवजे की राशि सीधे बच्चे को जमा की जानी चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि अपने अपने राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरणों को बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई मौतों की संख्या के साथ साथ जानकारी के बारे में पूर्ण विवरण साझा करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों विवरण बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया है, उन बच्चों का मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूझबूझ से कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से हुई मौत के मुआवजे के मामले पर 4 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस दौरान सभी राज्य सरकार नया हलफनामा दाखिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।